अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी थी कि भाई हमसे मिलने के लिए एक हमारे सब्सक्राइबर खास कराची से हमसे मिलने के लिए इधर आए हैं, तो उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। तो ये रहे हमारे फैज़ भाई और मोहम्मद फैज़ान भाई, मैं नाम भूल गया, सॉरी, दो दफ़ा बता दिया मैं नाम भूल गया। तो बस इस तरह वीडियो का आगाज़ करना है, तो मिलते हैं आगे वीडियो में। हाँ तो भाई, कराची से वापस आने के बाद मेरे सिर्फ एक ही बात की टेंशन थी कि भाई कराची से वापस आने के बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं जिसकी मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, मतलब कि मैंने कराची में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। लेकिन अब एग्ज़ाम्स तो हैं ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर क्या कर दी तुम्हारे भाई ने तैयारी शुरू। I put my foot on the gas, I got one more than that's fast, yeah. I keep his word on the dash, I keep his word on the dash. I gon' care about some cash, I do not carry no cash, yeah. I'd rather carry a Mac, yeah, to put all the hate in the way. I just wanna be the best, been giving a sign that all of them wanna go protest. Been giving a hot that just beat on my chest, boxing me in like the fill of the test. No, they can't see me, guess they gon' guess. Check on your mate, just like it's test. I just... हाँ तो भाई, आज पेपर्स हो चुके हैं और अब है अगली मॉर्निंग। और मैंने पता नहीं पेपर्स के दौरान इतना कुछ सोचा हुआ था, मतलब कि जो बंदा सोचता है ना, मतलब चीज़ें कि भाई मैं ये करूँगा पेपर्स के बाद, अब ये वाली चीज़ करूँगा, ऐसा ना कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे साथ तो अक्सर इतने नहीं होता, अब आप लोगों का मुझे पता नहीं है, मे बी आप लोगों के साथ होता हो, लेकिन मेरे ख्याल से अक्सर मैं जो भी प्रोग्राम, मतलब जो भी सोचता हूँ ना कि पेपर्स के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि यही होता है कि मूवीज़ देखने में, वीडियोज़ देखने में टाइम पास होता रहता है और बंदा कुछ नया नहीं कर सकता, वही बस पुरानी चीज़ें करके छुट्टियाँ गुजार देता है, बस यही होता है हर दफ़ा। आज है पेपर्स के बाद वाली मॉर्निंग और मैंने सोचा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग मेरे लिए यही हो सकता है कि मैं व्लॉग बना लूँ। बाकी सारे आइडियाज़ मैंने लिख लिए हैं और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इस बारे में कि जो भी चीज़ आप प्लान करो उसको ज़रूर लिख लो, अपने दिन का एक टास्क बना लो उसको। तो जब टास्क बना लोगे ना, वो चीज़ करने में एक्साइटमेंट भी होगी और पता होगा दिन में कि अगले दिन तुमने उठ के करना क्या है। वरना अगले दिन अक्सरियत में मेरे साथ, मेरे जैसे जितने भी लड़के हैं, मैं भी वही उनके साथ भी होता हूँ कि उठते साथ ही वो यही बस नॉर्मल रूटीन में आके इधर उधर सो के उठ के मोबाइल यूज़ करके दिन गुजार देते हो। ये ना करो, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते रहो, एक्सपीरियंस करते रहो कुछ ना कुछ नया। तो मैंने भी बस यही अभी अभी सीखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। बाकी नाश्ता तैयार करते हैं, नीचे खुद तैयार करना। I've been laughed at, I've been found, ay, lost but now I'm found, yeah, pick me yeah. off the ground, yeah. अच्छा, तो किचन में आके मुझे सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, वो है नाश्ता बनाना। मतलब कि कभी कभी नाश्ता बनाता हूँ, रोज़ अपने नहीं बनाया था, अक्सर घर वाले बनाते हैं नाश्ता। तो सल्यूट टू दोज गर्ल वो मेक फूड फॉर एवरीवन ऑन एवरी सिंगल डे। मतलब कि हर बंदे के लिए इस बोर्ड के नाश्ता बनाना टफ जॉब, सल्यूट। सबसे डरावना काम मुझे ये लगता है। बाकी ब्रेड लेने गए थे तो ब्रेड लिए हैं। हाँ तो भैया, आखिर इतनी जिद्दोजहद के बाद, इतना पसीना निकालने के बाद हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। देखो ये रखो, ये है ना मास्टर पीस, बस जर्दी थोड़ी सी नीचे से निकली। मास्टर पीस, मास्टर पीस। बाकी भैया अभी मैं नाश्ता एंजॉय कर लूँ, अब भी करो नाश्ता एंजॉय, मेरा नहीं अपना। अच्छा, तो ये लिस्ट में शामिल नहीं था, ठीक है, वैसे ही बस जरूरी होता है। हाँ तो भाई, अभी आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। मैंने काफ़ी लंबी वीडियो कर दी, टॉपिक किया था आई नो, बट कोई जैसे बैकग्राउंड नॉइस है तो इसको ज़रा इग्नोर करना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं दिन के वक्त शूट करना पड़ा था, मेरे पास जो पुरानी लाइट थी वो किसी की थी, वो यूज़ कर रहा है बंदा तो वो दे नहीं सकता फिलहाल के लिए। आज से 3 महीने पहले मैंने एक लैपटॉप लिया था जो कि काफ़ी अच्छा लैपटॉप था, 8 GB रैम थी और 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा था और अच्छा खासा चल रहा था मेरे साथ। तो मैंने काफ़ी वीडियोस भी उस पर बनाई और आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा भी और उनमें चेंजिंग आप लोगों को वीडियो में खुद बाखुद चेंज भी नज़र आ रहे होंगे कि भाई हाँ काफ़ी चेंज हुआ है वीडियो में, भाई उस्मान भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो चेंज हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि लैपटॉप हमारा धोखा दे चुका है हमें। काफ़ी मैंने इस पर काम करवाया, पहले भी इसके बोर्ड का काम करवाया, अभी दोबारा इसके बोर्ड का काम का मसला निकला है। अब इसमें मसला ये हुआ है कि भाई मैं यूज़ करता हूँ प्रीमियर प्रो। मैं उन लोगों को भी सजेस्ट यही करूँगा जो लोग नए सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि फिल्मोरा सीखें, तो यार मैं कहूँगा दो इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर सीखो,
प्रीमियर प्रो सीख लो या आफ्टर इफेक्ट सीख लो, ये दो इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब कि आप कहीं पे भी जाते हो ना और अगर ये सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हो या वो उन्होंने भी कोई काम करवाना होता है वो भी आप लोग को यही सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर इनको आप सीखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू फिल्मोरा 9 और दूसरे जो सॉफ्टवेयर है। मेरा मसला ये है कि भाई इस पर अब चलेगा सिर्फ 4 GB रैम, मतलब कि जो उसका 4 GB की स्लॉट थी वो स्लॉट ही फारिग हो चुकी है। और वो अगर मैं ठीक करवाने जाऊँगा तो मेरा ये लैपटॉप भी रिस्क में आ सकता है, मतलब कि पूरा लैपटॉप भी फारिग हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं रिस्क ले सकूँ इसका। सो इसको अभी हम बोर्ड का काम करवा के मे भी इसको हम सेल कर देंगे और दूसरा लेंगे। और एक और काम की बात आप लोगों को बताते हैं, जो जितने भी मतलब के होते हैं ना यूट्यूबर छोटे मोटे, वो जितने भी होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जान हम एडिट नहीं कर सकते मोबाइल पे, मोबाइल पे क्या एडिटिंग होती है ये वो ये। तो जितने भी यूट्यूबर होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें पीसी लैपटॉप या कोई इस तरह का मतलब कोई कंप्यूटर चाहिए हमें जिसमें फिल्मोरा 9 या प्रीमियर प्रो होना जरूरी है जिसमें हम लोग वीडियो एडिट करें। तो भाई जान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अगर चाहो तो आप एडिट कर सकते हो वीडियोस अपने मोबाइल पे भी। इवन दो मैं आप लोगों का एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने जितनी भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी पिछली तो कराची से लाहौर से कराची तक और उससे आगे मतलब कि लियारी की ईद की ईद के ब्लॉग आप लोगों ने देखे, उसके बाद अभी जो लाहौर कराची लाहौर भी आप लोगों ने वीडियो देखी, इवन ये वीडियो भी मैंने मोबाइल पे ही एडिट की है और इसी पे ही शूट किया। बस क्वालिटी का फर्क आप लोगों को नजर आएगा क्योंकि पहले मेरे पास था iPhone 5s एंड देन अभी है मेरे पास iPhone 7, जो कि आप लोग अभी जो देख रहे हो ये इसी का रिजल्ट है। iPhone 7 का अभी तक मैं कोई कैमरा यूज नहीं कर रहा। आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज रह गई, जो रह गई वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। 24 GB फ्री स्पेस हमारे पास 41 GB, ये तो होगी इसकी स्पेस। अब इसकी मेन प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर रैम कितनी है तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रही इसकी मेन प्रॉपर्टीज, विंडो 10 है, प्रोसेसर इंटर कोर i5 6th generation और 2 GHz और ये 4 GB रैम। यहाँ पर ये रैम जो थी ये रैम पहले थी 8 GB और अब हो चुकी है 4, जिसकी वजह से मेरा प्रीमियर प्रो बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है और मेरा प्रीमियर प्रो सही नहीं चल रहा। इवन मैंने एक ऐप डाउनलोड की कि जिससे ना प्रीमियर प्रो स्मूथ चलता है, बेशक आपकी जितनी मर्जी बड़ी फाइल हो और आपका पीसी बेशक फिर लो हो तब भी वो सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, पता नहीं क्यों। लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो को बना क्यों रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है। तो भाई जान सूनर और लेटर मैं इसको मे बी सेल कर दूँ। इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड, अगर कोई भी लेना चाहता है तो मुझे कमेंट में बताएं या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो अगर आप लोगों को ये लैपटॉप चाहिए, तो आई विल बी देयर फॉर यू। लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा सा काम करवाना है, 500 GB की इसकी जो हार्ड है वो शो नहीं हो रही कंप्यूटर में, जो कि थोड़ा सा मसला है। मुझे नहीं पता उसका क्या मसला है, वो भी मैं चेक करवाऊंगा, देन उसको कंप्लीट कर लूंगा, देन मैं इसको सेल कर दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसी अपने पन के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम, इतना मतलब आपने को देखा। जब भी मैं ट्रैवल करूंगा तो ट्रेन वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी अल्लाह हाफिज़। I put my foot on the gas, yeah. I got one more than that's fast, yeah. I keep his word on the dash, I keep his word on the dash. I gon' care about some cash, yeah. I do not carry no cash, yeah.